हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल और खास है, क्योंकि आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारी सिया से। जी हाँ बिल्कुल, हमारी एक जो प्यारी सी सब्सक्राइबर है महाराष्ट्र मुंबई से है आयशा शेख, तो उनकी बहुत डिमांड आ रही थी बहुत दिन हो गए, तो कि सर आप मुझे सिया को दिखाइए, बहुत दिन हो गए सिया को देखे हुए। और वो कंटिन्यू मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से वो जुड़े हुए हैं। और कल उनका मैसेज आया, क्या सर आपने सिया को बेच दिया, सेल कर दिया, इसलिए आप नहीं दिखा रहे हैं। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सिया को मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी पार्वती की आखिरी निशानी है और मैं उससे सेल नहीं कर सकता। तो पहले मैं मिल्किंग करूंगा, उसके बाद आपको सिया से मिलाऊंगा। चलिए मैं भी एक बार आपको हमारी जो नंदिनी है, नंदिनी से मिला देता हूँ, उसके बाद सिया से भी मिलाऊंगा, ठीक है। और मैंने सेल नहीं किया सिया को भाई, आयशा बेटा मैंने सेव मतलब सेल नहीं किया उसको, दिखाऊंगा मैं आपको अभी। चलिए कब शेड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा घर, ठीक है, और तो ये घर है और ये पास में है कव शेड। चलते हैं हम कव शेड में। ये रही हमारी नंदिनी, नंदिनी डुगू और नंदिनी दोनों है यहाँ पर, दोनों का मियाँ बांधते हैं। हाँ बिट्टू, तो ये देखिए नंदिनी बहुत शैतान है, बिल्कुल सिया का डबल रोल है ये, बिल्कुल सिया की जैसी है, बिल्कुल पूरी हरकत है सिया की जैसी की जैसी इसमें। और ये हमारा सीधा मानुष है बेचारा, बहुत सीधा भोला है डुगू, और डुगुड़ा मैं बहुत सीधा। और ये तो पता हाथ भी नहीं लगाने दे रही आपको, देखो। और ये परसों 22 तारीख को, यानी कल आपके पास लोग आया, तो ये 22 तारीख को एक महीने की हो जाएगी, ये देखिए। चलो टुकू, ओहो देखो, और इसको पीना है दूध इसलिए ये कर रही है मस्ती। देखो बहुत शैतान खोपड़ी है भाई, सिया तो बहुत अच्छी थी, बहुत ओ कयो हाँ बेटू। तो भाई देख लो, दोनों बच्चड़े हमारे यहीं पर हैं, सिया पीछे है। मैं सिया को आपको बाद में मिलाऊंगा मिल्किंग करने के बाद, ठीक है। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि सिया को मैं आपको बाद में मिलाऊंगा। और सामने हमने बो रखा है पशुओं के लिए हरा घास यानी चारा, कांच में जिसे बोलते हैं। ये देखिए आप, पूरे खेत में इधर इस बार पूरे टाइम पशुओं को हरा घास मिला है, ठीक है। ये देखिए पूरा घास, ये देखिए इस प्रकार की ऊंचे कांच में है। अब थोड़ी कम आ रही है, तेज धूप हो गई इस कारण, सर्दी में बहुत अच्छी आती है। अभी ये डंडल आ गए इसमें, ये देखिए। तो इस बार तो पशुओं को अच्छा घास मिला, पूरा हरा घास काफी समय बाद। और यहाँ पर शायद मशीन चल गई हमारी, कल हमारे हैं फसल को पानी पिलाने का टर्न। चलिए भाई मैं पहले कर लेता हूँ मिल्किंग, और उसके बाद आपको सिया को दिखाऊंगा। 6 बज चुके हैं, शाम को 6 बजे करता हूँ मैं आजकल मिल्किंग का टाइम, मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। और सिया और काली का दूध मैंने लगा दिया डेयरी में, डेयरी पे देने भी जाते हैं हम शाम को। तो चलिए मैं अभी मिल्किंग कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो भाई मिलवाता हूँ मैं आपको हमारी सिया से। पीछे आप देख सकते हैं वो रही सिया, काली दोनों फीड खा रही है अभी, मिल्किंग कर ली थी हमने और अभी मैं तैयार हो रहा हूँ घर जाने के लिए। तो वो रही आपकी सिया, ठीक है आयशा बेटा, देख लिया आपने आपकी सिया को। चलिए देखिए मुझे कर, ये रही हमारा नंदिनी और ये है डुगू और ये रही सिया। सिया सिया सिउ, अभी खाने में व्यस्त है सिया। तो ये रही हमारी सिया भाई, दिख रही होगी आपको, ये हमारे काले। और ये रही हमारी एक बकरी, एक ही रखी हमने ये, है ना, ये रही हमारी सिया।